अरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। लास्ट डे हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में, और मुझे आशा है कि आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को आपने ठीक ढंग से समझना है। ठीक है, नंबर सिस्टम इज ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, सिंपल सा ही सेंटेंस है यहाँ पे ना, समझने के लिए। नंबर सिस्टम एक तकनीक है टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ नंबर, कि नंबर की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझ आएगा, आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक फिगर है हमारे पास, 8 7 6 5 4। ठीक है, इन दिस फिगर द पोजीशन ऑफ 8 इज ऑन 1। 8 जो है वो पहले नंबर पे है, 7 इज ऑन 2, 7 दूसरे नंबर पे है ना, एंड 6 6 इज ऑन 3, तीसरे नंबर पे है, 5 इज ऑन 4, फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, एंड 4 इज ऑन 5। ये है नंबर सिस्टम, एक तकनीक है कि नंबर की पोजीशन क्या है एक फिगर में। ठीक है, एज वी नो दैट व्हेन वी एंटर अल्फाबेट और नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कंप्यूटर कन्वर्ट दीज अल्फाबेट और नंबर्स इनटू मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, व्हेन वी एंटर अल्फाबेट और नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, जब भी हम अल्फाबेट या नंबर्स कीबोर्ड से इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड से इंसर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कन्वर्ट दीज अल्फाबेट और नंबर्स इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर इन अल्फाबेट और नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 एंड 1। कहने का मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर से कोई, यानी कि कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट या नंबर प्रेस करते हैं, तो वहां से कोई नंबर नहीं जाता है, क्या जाएगा, वहां से करंट ही जाता है। जैसे टच करते तो करंट पल्स जाएगी, एक यानी कि 0 एंड 1, यानी कि करंट जाएगा। तो उस करंट को ही कंप्यूटर जो है, उसी करंट को हमारी जो ह्यूमन की रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो हमें समझ आती है, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी भाषा समझ आती है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम डिटरमिन द टोटल डिजिट्स अवेलेबल इन ए नंबर सिस्टम। अब द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम का जो आधार होता है, बेस होता है, डिटरमिन द टोटल डिजिट्स अवेलेबल इन ए नंबर सिस्टम, कि नंबर के सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मान लो इनका अगर हमने बेस ही बनाना हो तो 8 7 6 5 4, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 है इसके अंदर, तो उसका बेस क्या बन जाएगा, 5। सिंपल सा है कि द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम डिटरमिन द टोटल डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम, की नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट अवेलेबल हैं उसको ज्ञात करता है, जो इसका बेस होता है, आधार होता है ना, डिटरमिन ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस इज 2। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसका बेस 2 है, मींस मतलब 0 एंड 1, क्योंकि 2 है ना, 0 1 हो गया और 1 हो गया 2, तो इसका बेस क्या हो गया, 2। तो ये बाइनरी जो है उसका बेस होता है 2। ठीक है, डेसिमल नंबर जो होते हैं, डेसिमल मतलब 10। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम बेस इज 10, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 10, मींस जैसे 0 से लेके 9 तक, 9 तक कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपको पता है कि 0 to 9 ही डिजिट होते हैं, और होते कितने हैं, ये 10 होते हैं। तो बाइनरी का हुआ 2, 0 एंड 1, और डेसिमल का हुआ 10। अब चलो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कितनी टेक्निक्स हैं वो देखते हैं। जैसे अभी देखा ना हमने, बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का होता है 10। नंबर सिस्टम इंक्लूड 4 टेक्निक्स। अब नंबर सिस्टम में जो है 4 तरह की टेक्निक्स होते हैं, उसको इंक्लूड करता है। पहला डेसिमल, जिसका बेस होता है 10, बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल, ऑक्टल का बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ये 4 नंबर टेक्निक्स होती हैं जो इन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको कि बाइनरी में 2 होते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है, और डेसिमल का 10 होता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक कितना हुआ, 10।
10 डिजिट्स हुए तो उसका बेस 10 हो गया। अब जैसे ऑक्टल है ना, ऑक्टल में 8 नंबर होंगे तो उनका बेस 8 होगा, फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टल है कि वो 8 डिजिट का ग्रुप जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल बोलेंगे। और 16 डिजिट का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल। तो आपके सिलेबस में यहाँ से सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, डेसिमल और बाइनरी, जिन्हें इन दोनों को ही हम करेंगे, ठीक है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं, तो शुरू करते हैं पहले डेसिमल से, ठीक है। डेसिमल का बेस होता है 10। जैसे मान लो हमारे पास जो है ये है नंबर्स, 10 नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनकी पोजीशन देखनी है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो इनकी पोजीशन हमने क्या डिटरमिन करनी है ना, तो देखो जीरो की पोजीशन कहाँ पे है, 1, 1 की 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, 4 की 5 पे, 5 की 6 पे, 6 की 7 पे, 7 की 8 पे, 8 की 9 पे और 9 की 10 पे। तो इसलिए डेसिमल का जो पोजीशन हुआ वो इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये डेसिमल डेसिमल बेस्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डेसिमल का, जो आपको एग्जामिनेशन में भी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम हैविंग 10 डिजिट फ्रॉम 0 टू 9, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए बेस 10 नंबर सिस्टम, 10 नंबर सिस्टम का बेस होता है डेसिमल का, ठीक है, हैविंग 10 डिजिट, जिसके अंदर 10 डिजिट होते हैं फ्रॉम 0 टू 9। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है डेसिमल का 87 डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जामिनेशन में कि कन्वर्ट दिस नंबर टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब 87 डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड है जो आप लोग आज तक करते आ रहे हैं, वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो 87 का हमने क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, सिंपल, ठीक है। चलो निकालते हैं यहाँ पे 2, 4 जा 8, ठीक है, डिविजिबल हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 7 को करते हैं आप 2 से, 2, 3 जा 6, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 6 हुआ, तो यानी कि 1 बच गया, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ गया। अगर दूसरी सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो 2 चके 8, ठीक है, 2 3 6, 6 1 होता है 7, 1 बच गया, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 43 का निकालते हैं वर्गमूल, 2, 2 जा 4, पूरा डिवाइड हो गया, 2, 1 जा 2, 1 फिर बच गया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 21 का निकालते हैं, 2, 1 जा 2, डिविजिबल हो गया, अब यहाँ पे तो 0 आना था क्योंकि 2, 10 जा 20 हुआ, ठीक है, 20 हुआ, और फिर 1 बच गया, वो यहाँ पे आ गया 21, 2 दया 20, 1 21, ठीक है, 2 तेरा 20, 1 21, 1 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट 10 का निकालते हैं, 2, 5 जा 10, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ गई 0, ठीक है। अब 5 का निकालते हैं, 2, 2 जा 4, 4, फिर 1 बच गया, रिमाइंडर 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 को 2 से कर रहे हैं तो 2, 1 जा 2, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिविजिबल। तो ये आई हमारे पास बाइनरी, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ठीक है, और इस तरह से लिखेंगे फिर हम इसका आंसर। 87 डेसिमल को हमने जो बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1, 1, 1, 0, 1, 0, और इसका जो बेस है 2 लिखते हैं। तो इस तरह से हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से अगर मान लो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, आई थिंक आप कर लोगे, क्योंकि वर्गमूल से करना है। अब सेकंड है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम हैविंग 2 डिजिट 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है एक बेस 2 नंबर सिस्टम है जिसके अंदर कितने 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, ठीक है। अब ये बाइनरी है, अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 10101, ये बाइनरी है, ऐसे भी आ सकते हैं पेपर में ना, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10101, और सॉल्व ऐसे करेंगे बाइनरी से 2 की 0, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 की 1, हम करेंगे राइट साइड से लेफ्ट को देखना शुरू, ठीक है ना, 2 की 1, ठीक है, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, ठीक है। अब जो 0 वाले होंगे उनको हम कर देंगे कट, ये कट हो जाते हैं कंप्यूटर में ऐसे, ठीक है। अब 2 को
जीरो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कंप्यूटर में एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस टू को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टू को थ्री टाइम करेंगे, लेकिन ये कट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर बचा टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टू 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 टू, ठीक है, फोर टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, सोलह आ गया यहाँ पे, दो दुना चार आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आ गया। अब इसको हम कर देंगे प्लस, ठीक है, सोलह चार बीस और एक इक्कीस, इक्कीस का टेन, ये बन गई इसकी डेसिमल, बन गया बाइनरी, ठीक है। तो आज के लिए आपका जो चैप्टर था इन क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो गया। कल हम फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है।